श्रीमत्यै गोदायै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीरंगरामानुज महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीवराह महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्रीमुकुंद गुरवे नमः। श्रीमते श्रीपद्मनाभ गुरवे नमः। अस्मद्गुरुपरंपरायै नमः। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्योदम्पती जगतांपती। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्यकृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती। स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं जाबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमयिदमिदं भूय एवास्तु भूयः। नमस्सभाये ऐषम वर्षीय शुभकृत नामक वर्षीय संस्कृत भाषायां क्रियमाणे उपन्यासे अद्यतन पद्यं भवति सप्तविंशतितमं कूडारे वेल्लुं सीर् गोविंदा इति आरभ्यमानं पद्यम्। षड्विंशतितमपद्येन माले मणिवन्ना इत्यारभ्यमानेन पद्येन व्रतस्य कृते यानि अपेक्षितानि शङ्खः चर्मवाद्यं गायकाः मंगलगायकाः दीपाः ध्वजाः वितानम् एतत् सर्वमपि व्रतस्य कृते एव व्रतस्य समापनार्थं न तु पुरुषार्थः साक्षात्। तर्हि कृष्णः इदानीं पृच्छति गोपकन्याः पूर्वमेव भवतीभिः पृष्टं खलु किं किम् अपेक्षितं तत्सर्वं पृष्टं खलु इतोपि किं वा रोचते युष्मभ्यम् इति पृच्छति कृष्णे। वदन्ति गोपकन्याः यानि अस्माभिः याचितानि तानि व्रतस्य समापनार्थम् एव किन्तु तत्समापनानन्तरम् अस्माभिः किमपि अन्यत् याच्यते इदानीं मूढनैपेदु मुळङ्गै वैवार इति क्षीरान्नं याच्यते किन्तु तच्च क्षीरान्नं कृष्ण एव साक्षात् भवति। पद्यम् एवं कुडारे वेल्लुं सीर् गोविंदा उन्दन्ने पाडि परैकोंडु यां पेरु सन्मानं नाडु पुगळुं परिचिनाल் நன்றாக சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கரணம் யாம் அறிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ ரம்பாவாய் கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறைகொண்டு யாம் பெரு சன்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள் வளையே தோடே சிவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனம் யாம் அணிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலு ரம்பாவாய் கோவிந்தா இது த்ரிவாரம் உச்சியதே கோதாதேவியா அஸ்மின் பத்யே த
तदनन्तरं षड्विंशतितमपद्ये तदनन्तरं एकोनत्रिंशत् पद्येऽपि कलौ गोविन्दनामसङ्कीर्तनं कलौ नामसङ्कीर्तनं कलौ गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द 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 इति हि स्तौति गोदादेवी गां विन्दति ददाति इति गोविन्दः स च गोविन्दः कीदृशः कूडारै वेल्लुं सीर्गोविन्दा कूडारै इत्युक्ते ये कृष्णम् उदासीनवत् भावयन्ति नो चेत् ये कृष्णस्य वैरिणः येषु कृष्णभक्तिरेतावता न जाता एते सर्वेपि कूडारे बहु स्वारस्यतमम् ऐतिह्यं वर्तते कूडारे इत्यस्य पराशरभट्टार्याः एकदा श्रीरङ्गक्षेत्रे श्रीरङ्गनाथं दर्शयितुं गतवन्तः पराशरभट्टार्याः तदा श्रीरङ्गनाथस्य तिरुमञ्जनम् इति स्नानादिकं जातम् स्नानात् अनन्तरं नूतनवस्त्रधारणं क्रियते खलु कार्यते खलु तन्न जातम् इदानीं स्नानं जातं भगवतः मूर्तेः स्नानं जातं स च भगवान् प्रक्लिन्न अथवा आर्द्रवस्त्रेण तिष्ठति तदा तं पश्यन् पराशरभट्टार्याः किञ्चित् पद्यं रचितवन्तः त्वं मेहं मे कुतस्तत् तदपि कुतः इदं वेदमूलप्रमाणात् कश्चन आयाति भगवन्तं द्रष्टुं तर्हि भगवान् तस्मै एवं वदति भोः त्वं मे तर्हि स च मनुष्यः स वदति अहं मे न अहं मे अहं तु मम एव कुतस्तत् इति भगवान् पृच्छति भोः कुतः तत् त्वं तवैव इति तर्हि सः वदति तदपि कुतः यत् भवान् वदति अहं तव इति तदपि कुतः इदं वेदमूलप्रमाणात् भोः एतत्तु वेदाख्यप्रमाणेन ज्ञायते इति तर्हि सः प्रतिवचनं ददाति एतत्तु अनादिकालसिद्धात् अनुभवसिद्धात् भोः त्वं न जानासि मम अनुभवेन एतदेव ज्ञातं मया यत् अहं ममैव अनादिकालात् एवमेव अहं वर्ते तर्हि भगवानपि
भोः एतत् सर्वं गीतादि शास्त्रेषु मया उक्तम् इति साधवः अपि जानन्ति इति यदा भगवान् वदति तर्हि सः वदति हन्त ते तु तव पक्षपातिनः तव च तेषां कोऽपि सम्बन्धः वर्तते त्वं तेषां कृते प्रसीदति अत एव ते एवं वदेयुः इति स वदति एवं नृकलहे मग्नः भगवान् आर्द्रवस्त्रेण किमपि शपमानः शपन् वर्तते त्वं ममैव इति भगवता शप्यते इति भावः तादृशः अनुभवः पराशरभट्टार्याणां स च व्यक्तिः स च मनुष्यः सः कूडार् इति वस्तुतः अस्मादृशः अपि कूडार् अस्मान् जितवान् भगवान् अस्मानपि किञ्चित् परिवर्तयित्वा नाम तस्य कैङ्कर्ये सः भगवान् योजितवान् यदि अस्मादृशानपि सः जेतुं शक्नोति तर्हि एतत् जगत् सर्वमपि जितं स्यात् कूडारे वेल्लुं सीर्गोविन्द सीर्गोविन्द सन्ति बहवः गुणाः भगवति ये गुणाः भक्तान् आकर्षन्ति वदन्ति वेदान्ताचार्यः गोदास्तुत्यां वात्सल्यमेव भवति भवतः तत्तु वरदसहजपञ्चाशत् इति स्तोत्रे गोदास्तुत्यां तु मौनद्रुहो मुखरयन्ति गुणास्त्वदीयाः अहं मौनम् आचरन् अस्मि तथापि गोदे तव गुणाः मां मुखरयन्ति इति आचालयन्ति इति वदन्ति इति स्तुवन्ति वेदान्तदेशिकाः तादृशाः भगवतः कल्याणगुणाः नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः इति भगवद्गीतातः ये ये कूडारै ये ये मूढाः इति वयं जानीमः तान् जेतुं शक्तः भगवान् गोविन्दः गां विन्दति इति गोविन्दः श्रीविष्णुसहस्रनाम्नः व्याकरणे व्याकरणं तु बहुकृतम् आचार्यैः पराशरभट्टार्याः व्याख्यातः कश्चन व्याख्यातः एवं शङ्कराचार्याः अपि व्याख्यातारः सत्यसन्धतीर्थः इति माध्वसम्प्रदाये अपि व्याख्यातारः सन्ति गोविन्दशब्दस्य ते त्रयः अपि आचार्याः विविधव्याख्यानं कुर्वन्ति तद्गवां स्तुतिगिरां विन्दः गोविन्दः इति पराशरभट्टार्याः वदन्ति देवानां स्तुतिम् आप्नोति प्राप्नोति इति गोविन्दः शङ्कराचार्याः वदन्ति नष्टां धरणीं विन्दति इति गोविन्दः गौशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति भूमिरपि गोशब्देन अभिधीयते अनन्तरं सत्यसन्धतीर्थः एवं वदन्ति गां भुविं विशुं धेनुं स्वर्गं वेदं वा विन्दति इति गोविन्दः इति गोविन्दनाम यत् वर्तते तस्य बहवः अर्थाः कल्प्यन्ते उन्दन्नै पाडि तव नामसङ्कीर्तनं कृत्वा
சங்கீர்த்த நாம சங்கீர்த்தனமேவ பிரயோஜனம், கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனமேவ பிரயோஜனம் இதி பாவஹ. வதந்தி ஸ்துவந்தி ஷடகோப மகாமுனயஹ மொய்மாம் பூம் பொழில் பொய்கை முதலை சிறைப்பட்டு நின்ற கைமாவுக்கருள் செய்த கார்மிகள் போல் வண்ணன் கண்ணன் எம்மானை சொல்லி பாடி எழுந்தும் பறந்தும் துள்ளாதார் தம்மால் கர்மமென் சொல்லீர் தன் கடல் வட்டத்துள்ளீரே. இது பத்தியம், அத்தம் பத்தியம். மொயம்பாம் பூம்பொழில் பொய்கை முதலை சிறைப்பட்டு நின்ற தசிய மகர ரக்ஷிதுஹு ஸ்துதிம் ஏன குருவந்தி ஸ்தித்வா தாவித்வா ஏவம் ஏன குருவந்தி தைஹி கிம்வா பிரயோஜனம் அஸ்மின் சம்யக் பிரசரித்தே லோகே இதி பிரச்சந்தி வதந்தி ஷடகோப மகாமுனயஹ. தத்வத் பாடி லஜ்ஜாம் வினா கர்வம் வினா பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் கர்த்தவ்யம். பெருமையும் நானும் தவிர்ந்து இதி வதந்தி ஷடகோப மகாமுனயஹ. பாடி பறை கொண்டு நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக. வஸ்துதஹ கோபகன்யானாம் ஃபலத்வயம் வர்த்ததே, லோகஸ்ய கிருதே ஏகம் ஸ்வார்த்தே அன்யத். லோகஸ்ய கிருதே பரை பரை இதி பிரார்த்தயந்தி பிரார்த்தயந்தே. யாம் பெரும் சன்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக. அஸ்மாகம் கிருதே புரஸ்கார யஹ வர்த்ததே தத் ஏஷஹ லோகஹ சர்வஹ அபி ஜானாது. பாரோர் புகழ படிந்து இத்தியவம் உக்தவதி பிரதமே பத்யே. அதேவ புரஸ்காரஹ அபி யஹ தீயதே தமபி சர்வஹ லோகஹ பஷ்யது இதி பாவஹ. பகவான் கீதுஷஹ சஹ ஆத்மானமபி தாத்தும் நைவ சிந்தயதி. புருஷோத்தமஹ சர்வேஸ்வரேஸ்வரஹ ஜகதுபகிருதி மர்த்யஹ ஆஷ்ரித வாத்ஸல்ய விவஷஹ பார்த்தம் ரதினம் ஆத்மானம் ச சாரதிம் சர்வலோக சாட்சிகம் சகாரஹ சகார இதி ஹி கீதா பாஷ்ய ஸ்ரீமத் கீதா பாஷ்ய பாஷ்யகாராஹ பாஷ்யகாரானாம் வச்சனம் ஆத்மானம் ச சாரதிம் சகாரயதி. அதேவ பகவ பகவதஹ சௌலப்யம் சௌஷீல்யம் உதார குணஹ ஏவம் வர்த்ததே சஹ ஆத்மானமபி தாதும் சித்தஹ பவதி. ராமாவதார சமயே யதா ஹனுமான் சீதாம் திருஷ்ட்வா தாம் ச வார்த்தாம் ராமாய நிவேதயதி ததா ராமஹ ஆலிங்கனம் கிருத்தவான். அபார பாராவார பரிகா பரிவிருத பர புர பரிசிருத தவ தவன ஜவன பவன பவ கபிவர பரிஷ்பங்க பாவித சர்வஸ்வதானா. பரிஷ்பங்க பாவித சர்வஸ்வதானா சர்வஸ்வம் தத்தவான் ராமஹ தேன ஆலிங்கனேன. அதேவ பகவான் சர்வஸ்வம் தாத்தும் சித்தஹ அஸ்தி பவிஷ்யதி தஸ்ய பக்தானாம் கிருதே. சூடகமே சூடகம் இதி ஹஸ்தே வித்தியமானம் ஆபரண விசேஷம். புராஹி ரதஸ்ய ஆரம்ப சமயே நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் மெய்யிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் இதி அலங்காராதிக்கம் நைவ கூர்மஹ இதி உக்தம். இதானிம் ரதஸ்ய சமாபன வேளாயாம் தற்சர்வம் கிரியதே. சூடகமே தோல் வலையே இத்தியுக்தே ஹஸ்தாபரண விசேஷஹ புஜ ஆபரண விசேஷஹ தோடே
श्रुत्योः विद्यमानम् आभरणविशेषं सेविप्पु एतदपि कर्णस्य उपरि वर्तमानः पुष्पविशेषः पाडगमं यन्त्रणय पल्लघर्णं यामणिवोम् पाडगं पादयोः भूयमानं किमपि आभरणविशेषं पल्लघर्णं यामणिवोम् विविधानि आभरणानि वयं धरिष्यामः धरामः आडे उडुप्पं नूतन वस्त्रादिकं वयं नूतन वस्त्रादिकं धरामः अदन् पिन्ने तदनन्तरं पाल्सोरु क्षीरान्नं क्षीरान्नं भक्षयिष्यामः मूढनेपेदु मुगङ्गै वैवार कथम इति चेत् अस्माकं हस्ते यदा क्षीरान्नं स्वीक्रियते तस्मिन् घृतसमृद्धिः एवं भवेत् तच्च घृतं स्रवति हस्तात् स्रवति क्रमशः भूमौ पतति इतिवत् क्षीरान्नं वयं भक्षयिष्यामः கூடியிருந்து குளிர்ந்தேறு ரொம்பவை விஸ்லேஷ காரணேன எச்ச துக்கம் ஆசீத் தஸ்ய லவலேஷ அபி ந இதானிம் அஸ்மாகம் கோவிந்தா இத்யுக்த்வா வயம் த்வயா சக ரமாமஹே இதி பாவஹ அதேவ குளிர்ந்து தாபம் அபஹிருதம் भगवतः संश्लेषेन इदानीम् अतिशयेन सुखं वर्तते वर्तेत इति भावः अत्र स्वापदेशे संसारमोहे विद्यमानाः जनाः ये भगवन्तं नैव जानन्ति ज्ञात्वापि तं प्राप्तुं प्रयत्नं नैव कुर्वन्ति तेयेव कूडारे इति पदेन सूच्यन्ते भगवान् हि स्वीयैः कल्याणगुणैः तान् च नराधमानपि आकर्षयितुं यत्नं प्रयत्नं करोति इति भगवतः अथवा यदा भगवतः ज्ञानम् उदेति तदनन्तरं रहस्यत्रयेन अष्टाक्षरमहामन्त्रेण द्वयमन्त्रेण इत्यादिना तं च स्तुत्वा गोविन्दनामसङ्कीर्तनमपि कृत्वा गोविन्दनामसङ्कीर्तनेन प्रपत्तिर्सूच्यते प्रपत्तिमपि यदा करिष्यति तस्य परमपदे श्रीवैकुण्ठे ब्रह्मानुभवः प्रतीक्षां करोति इति भावः अत्र स्वारस्यम् ऐतिह्यविषये किञ्चित् स्वारस्यम् एवं वर्तते नम्बि तिरुवळिदि वळनाडुदासर् इति कश्चन भागवतोत्तमः केचन भागवतोत्तमाः आसन् ते पराशरभट्टारिम् एवं पृष्टवन्तः क्षीरान्नं भक्षयन्ति खलु अभक्षयन् खलु गोपकन्याः तस्मिन् विद्यमानं घृतं तेषां मुखे एव भवतु किमर्थं तच्च घृतं क्रमेण भूमौ अपतत् इति यदा ते पृष्टवन्तः तर्हि पराशरभट्टार्याः एवम् उक्तवन्तः साक्षात् कृष्णः तिष्ठति पुरतः तं च पश्यन्त्यः गोपकन्याः
तम दृष्ट्वापि तेषां किं क्षीरान्नं भोक्तुम् इच्छा वर्तेत। कृष्णं पश्यन्त्यः ताः क्षीरान्नं नैव भुक्तवत्यः। अतएव तेभ्यः अथवा तस्मात् क्षीरान्नात् घृतम् अस्रवत् भूमौ अपतत् इति तेषां स्वारस्यतमम् उत्तरमासीत्। अतएव कृष्ण अनुभव भगवतः अनुभवः तादृशः भगवत् अनुभवस्य पुरतः लौकिकविषयानुभवः पराजितः भवति भक्तानाम्। अनेन सप्तविंशतितमपद्यस्य अर्थः श्रावितः अनुभूतः स्यात् भवद्भिः। एतदनन्तरम् अग्रिमध्वनिमुद्रणे करवैघल् पिन्सेन्ट् काणन् चेन्दुन्वोम् इति अग्रिमस्य पद्यस्य अर्थम् अनुभविष्यामः। धन्यवादः। श्रीमत्यै गोदायै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।